सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह कक्षा 10वीं की लोक भारती से सातवां पाठ खुला आकाश का अध्यापन कराने जा रही हूँ, जिसके लेखक है कुंवर नारायण। यहाँ पे पहला भाग हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा, अभी हम लोग भाग दूसरा देखेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने इस पाठ द्वारा खुला आकाश जो है आपका, पहले भाग में हमने देखा था, लेखक ने यहाँ पे स्पष्ट किया है, ये जो डायरी की विधा है इसमें से अलग अलग अंश लेकर लेखक ने यहाँ एक पाठ का निर्माण किया है, अंदर की दुनिया, जिसमें हमने देखा कि मनुष्य को जो मन मस्तिष्क की अंदर की जो दुनिया है उसको विकसित करना चाहिए। लेखक यहाँ पे जनसंख्या आबादी जो बढ़ रही दिन पर दिन, उसके वजह से आवास की समस्या, रहने की जो समस्या निर्माण हो रही है उसके बारे में स्पष्ट किया है। सही साहित्य क्या होता है, सही साहित्य ऐसा है जिसके गुण और दोष दोनों के बारे से पाठकों को अवगत कराया जा सके। उसके बाद यहाँ पे कुंवर नारायण जी ने बताने का प्रयास किया है, जाने खुद को, हम अपने को जाने, कई बार लोगों की आदत होती है अपने को छोड़कर दूसरों के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो लेखक ने कहा है पहले आप खुद के बारे में जानिए फिर दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए। सिर्फ मनुष्य होते हैं, यहाँ पे मनुष्य के चारित्रिक व्यवहार के बारे में बताया गया है कि जिस तरह से केवल गायें गायें होती है, बाघ बाघ होते हैं, उसी तरह से अगर कितना अच्छा होता सारे मनुष्य मनुष्य होते, जो उनके अवगुण हैं वो न होते। ये भाग पहला हमने पहले वीडियो लेक्चर में देखा, अभी हम यहाँ पे दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे अब देखिए, लुका छिपा कर जीना, यानी यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है, चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त ना पसंद है। कुछ लोगों की आदत होती है, वैसे तो उनका व्यवहार उतना अच्छा नहीं होता है, संस्कार अच्छे नहीं होते, किसी के प्रति उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं दिखाते हैं, वो इतने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं कि उनसे बढ़कर आपका हितैषी या आपका अच्छा चाहने वाला इस दुनिया में और कोई है ही नहीं, जबकि स्थिति इसके विपरीत होती है। वो आपके बारे में हमेशा गलत ही सोचते हैं, लेकिन दिखावा करते हैं कि वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन लेखक को इस तरह का जीवन बिल्कुल पसंद नहीं। वो चाहते हैं वो जैसे हैं वो वैसे ही दिखे, वो नहीं कि अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वैसे ही प्रकट करेंगे, किसी के लिए अच्छी भावना है उसको भी उसी तरह प्रकट करेंगे, ये नहीं कि दिखावा करें। वह चारित्रिक बेईमानी है, जो इंसान दिखावा करता है वो उसके व्यवहार की क्या है, चारित्रिक बेईमानी है, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं, उसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है। ऐसे जो इंसान होते हैं, मन में कुछ है और दिखाते कुछ हैं, ऐसे इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान जाए, इसलिए इस दिखावे का वो नाटक करते हैं। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना ज़रूरी हो, अर्थात लेखक ये कह रहे हैं कि आपका जो व्यवहार इतना गलत क्यों हो कि उसे छिपाने की ज़रूरत पड़े, अतः आप अपना व्यवहार ही ऐसा रखो कि लोगों को सही लगे, गलत न लगे। लुका छिपा कर जीना, इसमें से कई बार आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए प्रश्न पूछते हैं, ये लिखा है कुंवर नारायण जी ने 4 जनवरी 2001 में। अब आगे देखिए क्या है, जीने का अर्थ, ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि जीने का तरीका यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि किस तरह से इंसान को जीना चाहिए। बुढ़ापे का अर्थ केवल यह नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं, यह तथ्य तो जीवन के किसी भी खंड पर लागू हो सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि 70-75 का अगर इंसान हो गया तो उसे मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है। कई बार आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे हैं 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, उनको भी कभी भी मृत्यु आ सकती है, और कई बार आप देखते हो 75-80 साल के भी जो हो जाते हैं उनकी भी मृत्यु नहीं होती है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है। तो हम ये कहें कि वो 75 साल का हो गया उसे मर जाना चाहिए और 5 साल के बच्चों को मृत्यु नहीं आनी चाहिए, तो ये शायद हमारे कर्मों का फल होता होगा या ईश्वर की कोई इसके पीछे लीला होगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक कह रहे हैं जो जीवन है वो इंसान को कैसे जीना चाहिए, हंसी खुशी और अच्छे से,
जैसे लेखक यहाँ कह रहे हैं, खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं जब तक जीवित और चैतन्य, चैतन्य का अर्थ है जागरूक, हम रहे, जिंदगी का क्या अर्थ है दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व, अर्थात जब तक आप जियो ऐसा कुछ कर्म करो कि जिससे लोगों का भला हो, आपसे लोग प्रेरित हो या आपसे कुछ सीखें, आप लोगों को कुछ दे सको, आपसे प्रेरित होकर वो कुछ अच्छा कार्य कर सके। लेखक कह रहे हैं जीवन का जो उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए, लोगों का भला करने के लिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखने के लिए, जो भी पल मिलते हैं इतने हंसी खुशी और अच्छे से जियो जिससे कि भला हो सके लोगों का। ज़रूरी नहीं है हमारे, आप इतिहास उठाकर ही देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, पेशवा बाजीराव, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आयु कम थी, कमी समय में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपने कार्य से हम लोगों को आज भी प्रेरित कर रहे हैं, ये प्रेरणा दे रहे हैं कि जीवन में जो समय है वो बहुत ही कीमती है, इसके लिए समय के महत्व को समझो और ऐसा कोई कार्य करो कि जिससे प्रेरित होकर लोग जीवन में आगे बढ़ सके। जो भी समय है उसको आप लोग सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग नहीं करो। लगभग इसी अर्थ में साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। उनकी इस सोच के कारण ही वो अपने आप को साहित्य से जोड़कर रख रहे हैं और सोच रहे हैं मैं अच्छे साहित्य का सृजन कर सकूं और लोगों को अच्छा संदेश इसके द्वारा दे सकूं। 75 वर्ष का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीवन बंद नहीं हो गया। यहाँ वो कह रहे अपने बारे में, 75 वर्ष का होने आया हूँ लेकिन कुछ ही वर्ष बचे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अंत समय आ गया है। ये एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर आ सकती है, ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। ये बहुत बड़ी बात कही है लेखक ने। मेरे हिसाब से इंसान को ऐसा होना चाहिए, जो जीवन होता है वो केवल उसका नहीं होता है, उससे जुड़े परिवार में जितने सदस्य हैं वो सभी का उनके जीवन पर अधिकार होता है। इसके लिए कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति को ये जरूर सोच लेना चाहिए कि जो वो कार्य कर रहा है उसका, उसके लोग जो साथ जुड़े हैं उन पर उसका क्या असर पड़ेगा। वो जीवन केवल उसका नहीं है, उससे जुड़े परिवार के अन्य सदस्यों पर भी उसका उतना ही क्या है, जुड़ाव है, लगाव है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले सोच लेना चाहिए। ये कब लिखा है लेखक ने, 23 जनवरी 2002 में। आगे देखिए, दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ, शहर जैसे बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंदफन हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर दो कमरों में दो पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का क्या मतलब, बस इतना ही कि जब तक बंद पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। यहाँ पर जो दिल्ली में रहने की आवाज़ की समस्या है, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वो भी किस तरह से है, बस के समान। जैसे बस में अगर भीड़ होती है, जगह नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ भी थोड़ी सी जगह मिलती है लटक कर वो बस में चढ़ जाते हैं, क्योंकि समय पर काम पर पहुंचना ज़रूरी होता है। दिल्ली में रहने का, वहाँ पे रहने का अर्थ क्या है, पायदान। घरों में जब हम जाते हैं तो दरवाजे के पास ही एक रखा रहता है, कपड़ा जैसा रहता है, पायदान कहते हैं, तो उस पर हम अपना पैर साफ करके अंदर जाते हैं, तो कितनी कम जगह होती है। तो उसी तरह कहते हैं जो घर है वो भी कैसे है, दो कमरों में दो पाँव टिका कर किसी तरह लटक जाओ और ज़िंदगी भर लटके रहो, और जब हो तो भीड़ भाड़ में गिर जाओ। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे घरों की समस्या बनी पड़ी है और लेखक इस तरह से रहने के लिए विवश हैं। ये कब लिखा है इन्होंने, 12 जून 2003 में। बहाने निकालना अगला है इनके डायरी के अंश, बहाने निकालना। जो हम शौक से, इच्छा से, खुशी से करना चाहते हैं उसके लिए तो रास्ते निकाल लेते हैं, और जो नहीं करना चाहते उसके लिए क्या करते हैं, हम बहाने निकाल लेते हैं। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं
कि जिसमें हमारी इच्छा होती है, हमारी खुशी होती है, उसके लिए तो हम खुशी खुशी वो काम करने को तैयार होते हैं, लेकिन जिसमें इच्छा नहीं होती है उसके लिए क्या करते हैं, हम बहाने बनाते हैं। हम सभी अपनी रुचि के कामों को करते समय उसमें डूब जाते हैं, खुशी से करते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, हमें उसमें सफलता मिलती है। शिक्षा काल में भी जिस विषय में हमारी रुचि होती है उसे पढ़ने में हम सारी रात भी जागे हैं तो कम है, जबकि किसी ऐसी विषय की पुस्तकें है जो हमें पसंद नहीं है तो आँख खोलते ही क्या होती है, हमें नींद आने लगती है उसे पढ़ते समय। और बहुत से लोगों को जैसे जिसमें रुचि है, तैराकी करना, बागवानी करना, गाना गाना, चित्र बनाना, ऐसे बहुत से कार्य जिसमें लोगों को रुचि है या पसंद है, तो मनुष्य घंटों तक करता है तो भी उसे उस समय का पता ही नहीं चलता, उसे लगता है बस अभी तो उसने शुरू किया और उसमें उसे सफलता मिलती है। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए उसमें आपका रुचि होना, शौक होना बहुत ज़रूरी है। बिना शौक के आगे बढ़ने की संभावना कम होती है। जिस काम में हमारी रुचि होती है, शौक होता है, उसे करने के लिए हम अपनी सारी ऊर्जा, सारी ताकत लगा देते हैं, लेकिन जो हमें पसंद नहीं होता है उसके प्रति हम क्या कहते हैं, हमारे पास समय नहीं है, ये काम हमसे नहीं होगा, इस तरह के बहाने बनाते हैं। ये कब लिखा था कुंवर नारायण जी ने, जनवरी 2006 में। अपने से बहस, बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस कर से केवल क्या होता है, हमें झगड़ा ही हाथ लगता है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं बहस करो, किससे करो, अपनों से, उससे क्या होगा, जो सच्चाई है उसके बारे में आपको पता लगेगा। दूसरों से करोगे तो आपको क्या होगा, झगड़ा ही करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करो, झगड़े से बचने के लिए दूसरों से बहस करने के बजाय आप उसके बारे में अपने से सोचो या अपनों से बात करो। आगे देखिए यहाँ पर डायरी का ये कौन सी अंश है, चीज़ों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में ख़रीदा है, आजकल उसकी गुलामी में हूँ, उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा, फिलहाल उसकी एक ने सेवा से ही मेरा उज्जवल भविष्य है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं 40,000 में उसे कंप्यूटर ने खरीदा है, कैसे, कि वो कंप्यूटर का काम अपने दफ्तर में, ऑफिस में कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, वो कंप्यूटर के गुलाम हो गए, तो 40,000 वेतन पाने के कारण ये उसके क्या हुए, गुलाम हो गए और रात दिन उसकी सेवा में लगे हुए हैं। अर्थात यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं जो भौतिक सुख सुविधाएँ हैं, मनुष्य आज उसका इतना आदि हो जा रहा है कि उसकी गुलामी करता हुआ दिखाई देता है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा भी है, दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है, गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। अर्थात पहले भी कैसे हम, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो हम गुलाम थे, तो यहाँ पे कह रहे हैं मनुष्य का ये जैसे स्वभाव हो गया है, कभी गुलामी करना और कभी करवाना। यहाँ पे भौतिक सुख सुविधाओं की ओर प्रकाश डालते हुए लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य आज इनका जो इतना प्रयोग कर रहा है, अर्थात वो उसका गुलाम बनते जा रहा है। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे, अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते जा रहे हैं। यहाँ पे इस विधा द्वारा लेखक ने एक कब लिखा है, 30 सितंबर 2010 में। ये हमने किससे लिया है, दिशाओं का खुला आकाश, आपका ये पाठ का नाम है खुला आकाश, लेकिन जो इनकी डायरी के जो अंश, ये अंश थे के, ये किससे लिया गया है, दिशाओं के खुला आकाश से, जो इनकी रचना है उसके द्वारा यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए शब्दार्थ आपको दिया हुआ है जो कि आपको नोटबुक में लिखना है, संकरी अर्थात पतली, कम चौड़ी और तंग, गोजर का अर्थ होता है कान खजूरा, लकड़बग्घा भेड़िए की एक जाति है का एक पशु होता है, चलायमान अर्थात चलता हुआ। ये प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, कृतिका पूर्ण कीजिए, तालिका पूर्ण कीजिए, गली की विशेषताएँ, गली से क्या नहीं दिखता, लेखक ऐसी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, मनुष्य जीवन की स्थितियाँ,
कुछ मनुष्यों में दिखाई देने वाले पशु घर पर के बाहर झांकने पर यह दिखाई नहीं देता। लेखक इनकी सेवा में लगे हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद करके लिखिए, तो ये आप लोगों को नोटबुक में सब लिखना है। ये मैंने आप लोगों को पीडीएफ के जरिए भेजा है, ये सब आप लोग नोटबुक में लिखकर मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा, इससे आप प्रेरित होकर अपने जीवन को सफल बनाने का, जो इसकी अच्छी बातें हैं उसको अपनाने का प्रयास करेंगे। यहीं पे अपना स्पष्टीकरण मैं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।